नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के संक में। मैं हूँ दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव को मनाने को लेकर हमीरपुर में बीजेपी और कांग्रेस दिख रही है आमने सामने। हमीर उत्सव 6 और 7 दिसंबर को होगा आयोजित और इसके लिए पूरी की जा रही है तैयारियां, कहा बीजेपी विधायक नरेंद्र ठाकुर ने। सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर जमकर साधा निशाना। चुनावों से पहले या बाद में अनुराग ने रेल लाइन हमीरपुर में आने का राग अलापा है, लेकिन अनुराग ठाकुर बताएं कि आखिर रेल कहां है। भारतीय जन कल्याण समिति के बैनर तले 27 नवम्बर को लम्बलू में समिति के द्वारा 101 महिला मंडलों के सम्मान समारोह का किया जा रहा है आयोजन। सम्मान समारोह में राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के पूर्व सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष रामविलास वेदांती करेंगे मुख्य अतिथि शिरकत। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया गया धूमधाम से। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत।